जाको होएगा उसी धुन में ओ दर्जी अरे जब होएगा कान्हा के लेकिन हमने उस पर अमल नहीं किया। अमल नहीं करने का दो कारण था कि यहाँ हमारे इस प्रांगण में मंच के ज्येष्ठ बगल भगवान भोलेनाथ स्वयं विराजमान हैं और उनसे बड़ी बात है कि समाज के जिम्मेदार लोग हमारे श्रीमान तुंगनाथ शुक्ला जी हैं जो भक्त हैं। इस मर्यादा में हम बंधे रहे, वो शेर शायरी का सिलसिला नहीं चल सका, नहीं तो हमारे जवान साथी जो उठकर चले गए वो अभी तक बैठे रहते। छोटू मिश्रा, आप इस बात को खूब अच्छी तरह से जानते हैं कि जब हमारा मूड बनता है तो मुझे कलम ना कागज मोबाइल किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। बस ये बात है कि ये किताब खुल जानी चाहिए, बस भजन का सिलसिला चलता रहा और हम उसी में रहने रहे। शेर हो नहीं पाया लेकिन कई लोगों का संकेत हुआ कि आप शेर सुनाइए। शेर का मिजाज कब होता है कि जब कोई गजल सुनने के मूड में बैठे तब, और शेर पढ़ने के लिए, गजल गाने के लिए, गजल सुनने के लिए कुछ पथचलन होना बहुत जरूरी होता है। ये सब मर्यादा में बंधे रह गए, शेर ना हो पाया लेकिन एक धार्मिक शेर आप सुनिए, मजा आ जाएगा। कहना है कि नादानी थोड़ी थोड़ी है और बात सारी समझता है, वो मेरी आंसुओं को भी अदाकारी समझता है। नादानी थोड़ी थोड़ी है, बात सारी समझता है, वो मेरी आंसुओं को भी अदाकारी समझता है। और मैं इसको जाती मोहब्बत ना समझूं तो क्या कहूँ, क्योंकि वो हर बांसुरी वाले को भी अदाकारी समझता है। जमुना
यमुना माँ के बीच में पहुँचते हैं तो वहाँ माँ जी पड़ती है और वहाँ जिद कर लेती है कि हमारा आपका जो वादा है वो जब पूरा हो जाएगा तभी आप पढ़ सकते हो अन्यथा आगे नहीं जाओगे। मैया दर्शन के लिए वहाँ तैयार हो जाती है और होता क्या है कहानी पे ध्यान दें। पंकज चौबे, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है भैया पंकज चौबे जी को। और ये मान के चलिए कि हमारा प्रोग्राम बिल्कुल अंतिम पायदान पर चल रहा है और लोगों की फरमाइश है अभी, आइए मैं कोशिश करूँगा कहना है। Yeah.
गए।